हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा संचालित परीक्षा UPPCS मेंस में हिंदी का कंपलसरी पेपर होता है, जो कि 60 नंबर का होता है, जिसमें 30-30 नंबर के दो गद्यांश दिए रहते हैं। पहले गद्यांश में कुछ गद्यांश के नीचे कुछ प्रश्न दिए रहते हैं, जिनमें से एक प्रश्न होता है कि निम्नलिखित में रेखांकित गद्यांश में रेखांकित लाइनों की व्याख्या कीजिए। तो पंक्तियों की और लाइनों की व्याख्या कैसे करेंगे, इस वीडियो हम जानने वाले हैं। क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे व्याख्या करने के लिए, जिससे कि हमारी व्याख्या अच्छी हो और हमें अच्छे अंक प्राप्त हों। तो बने रहिए लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में, आइए देखते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आइए देखते हैं। तो व्याख्या कैसे करें, दरअसल सबसे पहले देखते हैं व्याख्या है क्या। तो परिभाषा इसकी ये है कि गद्य और पद्य में व्यक्त भावों अथवा विचारों को विस्तार पूर्वक लिखने को व्याख्या कहते हैं। ध्यान रहे, भाव और विस्तार जो है उसको विस्तार पूर्वक लिखने को व्याख्या कहते हैं। व्याख्या ना भावार्थ है और ना ही आशय है, यह इन दोनों से भिन्न है। व्याख्या किसी भाव या विचार के विस्तार और विवेचन को कहते हैं, यानी छोटी सी बात जो है उसी को आधार मान करके पूरी बात किस तरह से कही जा सकती है कही जा सकेगी उसको विस्तार में लिखना, यानी छोटी सी बात को लेखक क्या कहना चाह रहा है विस्तार पूर्वक उसे लिखना ही व्याख्या है, समझिए एक तरह से। इसमें परीक्षार्थी को अपने अध्ययन, मनन और चिंतन के प्रदर्शन की पूरी स्वतंत्रता होती है। अब आइए देखते हैं कि व्याख्या लिखने हैं तो आवश्यक बातें क्या क्या हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। तो पहली बात है, व्याख्या में प्रसंग निर्देश आवश्यक है, यानी आप चाहें तो व्याख्या से पहले प्रसंग लिख सकते हैं 2-3 लाइनों का, कि संबंधित चित्र में संबंधित लाइन में पंक्ति में किस पर विचार किया गया है, किस पर बात की गई है, किस टॉपिक पर। नंबर 2, प्रसंग निर्देश संक्षिप्त आकर्षक और संगत होना चाहिए। प्रसंग जो है छोटा होना चाहिए, यानी 2-3 लाइनों के बीच में, और आकर्षक होना चाहिए, यानी भाषा शैली अच्छी होनी चाहिए, तथा संगत होना चाहिए, यानी पंक्तियों के और सब्जेक्ट के भाव के संगत होना चाहिए। तीसरी बात है, भाव में मूल विचार अथवा व्याख्या में मूल विचार अथवा भाव का संतोषपूर्ण विस्तार हो, यानी मूल विचार को कभी छोड़ना नहीं है उस भाव को। नंबर 4, अंत में शब्दार्थ जरूर लिखें, अगर हाँ हो सके तो उस पंक्ति में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ भी आप लिख पाएँ तो बेहतर होगा। अगला नंबर 5, मूल के विचारों का खंडन या मंडन किया जा सकता है, यानी जो पंक्तियों में जो गद्य में मूल है जिस पे फोकस की जा रही है जिस बात को, उस पे आप खंडन या मंडन कर सकते हैं, यानी बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं या उसको आप खंडित भी कर सकते हैं। अगला है, मूल के विचारों के गुण दोषों पर समान रूप से प्रकाश डालना चाहिए, उन पर प्रकाश भी डालना चाहिए, जो मूल विचार है उनके गुण और दोषों पर प्रकाश, यानी इससे हमको ये आइडिया गया कि वास्तव में हमको पंक्ति में लिखना क्या है। जैसे पंक्ति की व्याख्या में सपोज दैट कि अनुमान नहीं रहता कि हमको लिखना क्या है, तो सबसे पहला आइडिया यही है कि मूल में जो है पंक्ति में जो विचार दिया है उसके गुण और दोष आप अगर व्याख्या में समाहित कर दें तो आंसर आकर्षक हो जाएगा। नंबर 7, यदि कोई महत्वपूर्ण बात हो तो उस पर अंत में टिप्पणी देना ना भूलें, यानी कोई और इम्पॉर्टेंट बात हो लास्ट में टिप्पणी हेडिंग करके आप टिप्पणी में उसको 1-2 लाइनों में उस बात को लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये हैं कुछ बातें, अब आइए एक उदाहरण से समझते हैं कि किस तरह से व्याख्या करनी है। तो ये 2 पंक्तियां हैं, इसमें लिखा हुआ है कि सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात।
तो आइए देखते हैं इनकी व्याख्या कैसे की जाएगी। तो व्याख्या में लिखना है, ये पंक्तियाँ डॉक्टर मैथिली शरण गुप्त जी के यशोधरा काव्य से ली गई हैं। अगर आपको पता तो लिख सकते हैं ये लाइन, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिएगा, ना लिखिएगा तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कुछ वर्षों तक दाम्पत्य जीवन बिताने के बाद यशोधरा यानी सिद्धार्थ, जो कि भगवान बुद्ध हुए बाद में, की धर्मपत्नी ने यह सहज ही जान लिया था कि उनका पति सांसारिक सुखों की सीमाओं में बंधने वाला नहीं है, वह साधारण मनुष्य नहीं है, वह आभास उसे पहले ही मिल चुका था। अतः वह जानती थी कि सिद्धार्थ का वनगमन या महाभिनिष्क्रमण स्वाभाविक था, लेकिन गौतम यानि सिद्धार्थ एक रात चुपके से घर छोड़कर चले गए बिना बताए हुए। यशोधरा को इस बात का बड़ा दुख हुआ कि उसके स्वामी उससे बिना कुछ कहे इस तरह चुपके से क्यों चले गए। यह बात उसे कांटे की तरह चुभने लगी। तो ये जो है दो पंक्तियों का व्याख्या, यानी इन दो पंक्तियों में लेखक कवि इतनी सारी बातों को समाहित कर रहा है। यह पूरी बात वो कहना चाहता है जिसे उसने दो पंक्तियों में समेट दिया है। तो भावार्थ कुछ कठिन शब्द हैं, देख लेते हैं उनका अर्थ, हम नीचे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसमें दो लाइनों में कठिन शब्द है, सिद्ध हेतु, यानी सिद्ध का मतलब क्या होता है, सांसारिक माया तथा बंधनों को जीतने के लिए। व्याघात का अर्थ क्या होता है, गहरा घात। तो इस व्याख्या के साथ इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगी और आपको किस तरह से वीडियो चाहिए, किस तरह के वीडियो चाहिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट टाइम। बाय।